अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज जमात से पढ़ाई 3 दिन तक। फिर यह हुआ, लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ने लगे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? उन्हें डर था। उन्होंने फरमाया कि मुझे डर था कि नमाज तुम पर फर्ज कर दी जाएगी और तुम नहीं कर पाओगे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीस में आता है कि बाज लोग, थोड़े लोग वहां एक छोटी जमात बना करके पढ़ रहे हैं, कोई अकेले पढ़ रहा है, बाज लोग वहां पे जमात बना के पढ़ रहे हैं। ये चलता रहा मामला यहां तक आके उमर रदिल्लाहु की खिलाफत का दौर आया। उमर रदिल्लाहु ने जब देखा ये, तो उन्होंने कहा कि अभी फिर से हम सब मिलकर एक बड़ी जमात से नमाज पढ़ेंगे। और जब ये हुआ तो वो देखकर उमर रदिल्लाहु ने कहा, नीमल बिदतु हाजी, कितनी अच्छी बिदत है ये। अब यहां सवाल ये है कि ये चीज क्या बिदत थी या नहीं थी? तो हम देखते हैं, ये तो सुन्नत थी जो उन्होंने जिंदा किया। लेकिन लफ्ज बिदा, दीन में नई चीज, ये अरबिक जुबान का भी लफ्ज है। मिसाल के तौर पे कोई मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल आया और आप अरबिक में बात कर रहे हो, तो आप कहोगे नीमल बिदतु हाजी, कितनी अच्छी बिदत है ये। उसका मतलब रोज ये चीज देखने नहीं मिलती थी और अब वो चीज देखने मिली, मतलब कितनी अच्छी चीज देखने मिल रही है, उमर रदिल्लाहु कह रहे हैं। लेकिन क्या ये बिदत है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अमल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बताई कि किस वजह से रोक रहे हैं। जब वो वजह नहीं रही, बाद में उमर रदिल्लाहु के जमाने में वो वजह नहीं रही, तो उमर रदिल्लाहु ने उस सुन्नत को जिंदा किया। मैं आपको याद दिलाऊंगा, हम आशूरे का जो रोजा रखते हैं तो सिर्फ 10 तारीख नहीं रखते हैं, 10 के अलावा साथ में 9 भी रखने की हदीस है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अगर अगले साल जिंदा रहा तो मैं 9 को भी रखूंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल जिंदा नहीं रहे। किए क्या? नहीं किए। सुन्नत है ये? हाँ। क्यों? उन्होंने कहा, उन्होंने ख्वाहिश इजहार की, सिर्फ अगर बताया तो भी सुन्नत है, तो यहां तो 3-3 दिन तक किया था ना, तो ये चीज कैसे नई चीज हो सकती है, बिदत कैसे हो सकती है? ये बात पर हमें गौर करना चाहिए। तो ये क्या है? लफ्जी एतबार से। मिसाल के तौर पर कुरान में सूरह अहकाफ में सूरह 46 आयत नंबर 9 में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ए नबी कह दीजिए, मा कुंतु बिदअम मिन रसूली, मैं रसूलों में कोई बिदा रसूल नहीं हूं। बिदा रसूल यानी कोई नया रसूल नहीं हूं, कोई पहला रसूल मैं नहीं आया हूं, मुझसे पहले भी बहुत रसूल आ चुके हैं। मतलब तुम्हें इतना क्यों ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह ने एक इंसान को भेजा, मैं कोई पहला रसूल थोड़ी हूं। तो यहां पर लफ्ज बिदा जो आया है वो कोई दीन में नई चीज के एतबार से नहीं, लेकिन जुबानी लफ्जी एतबार से। मैं उम्मीद करता हूं कि अरबिक जुबान के एतबार से लोग ये बात को समझते होंगे। एक और हदीस है सुनन इब्न माजा में, इस हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं दलील इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाज लोग ऐसी चीजें देखकर कभी कंफ्यूज होते हैं। इस हदीस में आया, मन सन्ना सुन्नतन हसना, जो कोई एक अच्छा काम शुरू करेगा उसे उसका अजर भी मिलेगा, जो कोई उसे देखकर वो काम करेगा उसका अजर भी मिलेगा, उसका अजर कम भी नहीं होगा। और फिर आता है मन सन्ना सुन्नतन सैया, जो कोई बुरा काम करेगा उसे उसका गुनाह भी मिलेगा, जो कोई उसे देखकर वो बुरा काम करेगा उसका गुनाह भी उसे मिलेगा और उसका गुनाह कम भी नहीं होगा। अब यहां पर इस हदीस को बताकर बाज लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो यहां पर आता है सन्ना सुन्नतन हसना, जो कोई अच्छा काम शुरू करेगा तो बोलते हैं देखो हम शुरू कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, ये दलील है कि दीन में नई चीज अच्छी भी हो सकती है। क्या ये दलील है? या आप में से कोई जवाब दे सकता है? हदीस क्या है? हदीस सही है, जो कोई अच्छा नया काम शुरू करेगा, सुन्नतन हसना, कोई काम शुरू करेगा, अच्छा काम शुरू करेगा, उसको उसका अजर भी मिलेगा, उसे देखकर जो लोग करेंगे उनका अजर भी उसे मिलेगा। आइए, कौन बताया? जी जी, बहुत अच्छा। मतलब सुन्नतन हसना से मुराद क्या है? कोई ऐसी चीज है जो साबित है, जो वो शख्स ने जारी किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है जो घर में कहे कि देखो हम लोग सब सुबह के वक्त पर बैठेंगे, थोड़ा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, पूरी फैमिली मेंबर्स बैठ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जितना उसने किया उसको उसका अजर मिलेगा। इंतकाल के बाद बच्चे बाद में भी बैठ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं तर्जुमे के साथ, जितना कुरान वो लोग भी बाद में पढ़ेंगे उसका अजर भी उसे मिलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने शुरू किया ना। मिसाल के तौर पर कोई अगर दर्स शुरू करे कि हमारे एरिया में ये प्रोग्राम नहीं होता है, हम लोग दर्स शुरू करेंगे। अब वो दर्स शुरू किया उन्होंने, खुद तो जितने दर्स उन्होंने किया उसका अजर मिलेगा, लेकिन इंतकाल के बाद भी वो दर्स चलता रहा तो भी अजर मिलता रहेगा। लेकिन कोई है, हदीस वहां खत्म नहीं होती है, मन सन्ना सुन्नत सही है, जो कोई बुरा काम शुरू करेगा, मिसाल के तौर पे कोई भाई हो जो घर में कहे कि मैं हम लोग हर शनिचर रात को बैठ के फिल्म देखेंगे, अब जितनी फिल्में खुद देखा उसका गुनाह तो मिलेगा,
इंतकाल के बाद बच्चे भी देख रहे हैं, शनिश्चर के दिन कंटिन्यू है, तो जो फिल्म बच्चे बाद में देखेंगे उसका गुनाह भी उसे मिलेगा, क्योंकि उसने शुरू किया ना बुरा काम। इसीलिए बुरे काम शुरू नहीं करना चाहिए, अच्छे काम शुरू करना चाहिए। और अगर हम में से किसी ने कोई बुरा काम शुरू किया उसको दुनिया में ही रोक के जाओ, ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन तक वो हमें वो मिलता रहे उसका गुना। अरे मैं शुरू करके आ गया, अभी यहाँ पे गुना मिल रहा है। अरे ये फिल्म तो मैंने नहीं देखा था, ये तुमने नहीं देखा लेकिन तुम शुरू करके आए थे। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि ये चीज है जो हम सबको ख्याल रखना चाहिए, और ये उस सवाल का जवाब है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें